अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले एल्गिन मिल के बाहर अब सन्नाटा पसरा रहता है। गेट के बाहर मिल बंदी होने का नोटिस बोर्ड आज भी टंगा है। कभी इस मिल की बनी तौलिया लंदन की महारानी को खूब भाती थी। यहाँ का बना ज्यादातर माल लंदन एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब मिल एक खंडर है। आपको बता दें कि 1864 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पिता एडवर्ड एल्गिन के नाम पर मिल की स्थापना की गई थी। यहाँ बनने वाली साठिया चादर, तौलिया, बेडशीट, 660 नंबर चादर, जींस का कपड़ा, लंकलाट के बने कपड़ों की तूती देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बोलती थी। उस दौर में यहाँ बनी तौलिया और चादर को अंग्रेज लंदन लेकर जाते थे। यहाँ 15,000 से अधिक मजदूर काम करते थे। आजादी के बाद 11 जून 1981 को मिल का भारत सरकार ने अधिग्रहण किया। तत्कालीन चेयरमैन ने मिल चलाने के लिए 9 बैंकों से करोड़ों का लोन लिया, लेकिन मिल नहीं चल पाई। यही लोन मिल बंदी का कारण बना। 1992 को मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया। 1994 से मिल बंदी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। न्यूज़ ब्यूरो।